सितंबर मंथ के बेस्ट करंट अफेयर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है और आपका हमारे इस YouTube चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन और सुपर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। Which organization has developed the deep forest system for Indian defense? किस संगठन ने भारतीय रक्षा के लिए deep forest प्रणाली विकसित की है? तो किया है DRDO ने, यानी Defense Research and Development Organization, जो फॉर्म हुआ था 1958 में। और जो deep forest system है वो एंटी ड्रोन सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट ड्रोन अटैक। और जो D4S का जो फुल फॉर्म है वो है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, डेवलप DRDO ने किया और इसे मैन्युफैक्चर किया है BEL ने, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू पीपल? कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो है गोवा। गोवा के जो सीएम प्रमोद सावंत जी है उन्होंने एक स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया। उस स्कीम का नाम है सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम, जिसके तहत 16,000 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा जिसपे कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द 2020 समर पैरालंपिक इन टोक्यो? टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या है? तो वो है रैंक 12 है। और कुल भारत ने 19 मेडल जीते हैं जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भारत ने जीते हैं। और वहीं पे पहला रैंक रहा है चाइना का जिसने कुल 207 मेडल जीते हैं जिसमें 96 गोल्ड है। दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटेन 124 मेडल के साथ और तीसरे नंबर पे USA 104 मेडल के साथ। अवनी लेखरा हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक 2020 इन विच इवेंट? अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है शूटिंग में, और शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में। और साथ में वो बनी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन पैरालंपिक गोल्ड मेडल, और साथ में बनी फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरालंपियन टू विन 2 मेडल। एक तो गोल्ड जीता और दूसरा मेडल ब्रॉन्ज जीता। ब्रॉन्ज जो जीता है वो 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में जीता है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने और कब जीता था। इंडियन पैरा एथलीट सुमित अंतिल हैज क्लेम्ड द गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक? भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है जैवलिन थ्रो में, और वो जो है बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं। देवेंद्र झाझरिया हैज क्लेम्ड द सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट फॉर इंडिया एट द पैरालंपिक 2020? देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस खेल आयोजन में रजत पदक जीता है? तो उन्होंने भी जैवलिन थ्रो में जीता है। और उसी सेम इवेंट में सुंदर सिंह गुर्जर ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हु कंपोज्ड द थीम सॉन्ग ऑफ द T20 वर्ल्ड कप? T20 विश्व कप के थीम सॉन्ग की रचना किसने की? तो की अमित त्रिवेदी ने। हु हैज वन द F1 यानी फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 एंड क्लेम हिज 100 ग्रैंड प्रिक्स विन? किसने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है और अपने 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत का दावा किया है? तो वो है लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है जो कॉम्पीट करते हैं फॉर मर्सिडीज। हरविंदर सिंह हैज बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन पैरा एथलीट टू विन अ मेडल इन विच इवेंट एट द पैरालंपिक्स? हरविंदर सिंह पैरालंपिक में किस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं? तो वो है आर्चरी में, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन इवेंट।
हु हैज बिकेम द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू विन अ पैरालंपिक मेडल। पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो बने हैं सुहास जतिराज, जो पैरा बैडमिंटन प्लेयर है और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन SL4 कैटेगरी, और वो पोस्टेड है एज DM इन गौतम बुद्ध नगर। हु हैज बीन नेम्ड एज द मेंटर ऑफ इंडियन क्रिकेट मेंस टीम फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के मेंटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। विच प्लेयर हैज वॉन द 2021 US ओपन वोमेन सिंगल टाइटल? किस खिलाड़ी ने 2021 US ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? तो जीता है एमा रेडुकैनू ने, और ये बनी पहली ब्रिटिश महिला टू विन ग्रैंड स्लैम मेजर टाइटल इन 44 ईयर्स। विच प्लेयर हैज बीन एडजस्ट एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2021? अगस्त 2021 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो वो है इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021? यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 किस संगठन ने जीता है? तो जीता है NIOS ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और ये उसे मिला है फॉर इट्स प्रोग्राम ऑन एनेबलिंग एजुकेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज थ्रू टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन इंडियन साइन लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट, के लिए उसे ये अवार्ड मिला है। द यू ब्रीथ लाइफ इज अ लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर डेवलप्ड बाई विच इंस्टीट्यूट? द यू ब्रीथ लाइफ एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक है, जिसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे डेवलप किया है IIT रोपर और कानपुर ने मिलके, और उस कंपनी का नाम जिसने इसे बनाया है उसका नाम है अर्बन एयर लैबोरेटरी, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है IIT रोपर की। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू MD ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एक्सिम बैंक? भारतीय निर्यात आयात बैंक के नए MD के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो है हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी को, और जो एक्सिम बैंक है वो सेटअप हुआ था 1982 में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी BSF? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है पंकज कुमार सिंह को, और जो BSF है वो फॉर्म हुआ था 1 दिसंबर 1965 को, और जो BSF का मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है JB मोहापात्रा जी। हु हैज टेकन चार्ज एज द 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी NCC? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो संभाला है गुरबीरपाल सिंह, गुरबीरपाल सिंह। और जो NCC है वो है यूथ विंग ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, और जो NCC का मोटो है वो है एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। PM मोदी इनॉग्रेटेड अ स्पेशल कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ व्हाट वैली टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन फाउंडर? PM मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस मूल्य के एक विशेष स्मारक सिक्के का उद्घाटन किया? तो वो है 125 रुपए के सिक्के का उद्घाटन किया, और इसके जो फाउंडर है इस्कॉन के, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहते हैं, तो इनके जो फाउंडर का नाम है वो है श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज प्लान टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? तो
तो वो है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के पाक बे में। तमिलनाडु सरकार ने 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाक बे में रिजर्व कर दिया है ताकि स्पीशीज को कंजर्व किया जाए। और जो डुगोंग होता है उसे सी काउ भी कहते हैं, यानी समुद्री गाय। और भारत में ये पाए जाते हैं पाक बे में, जिसकी बात अभी हमने की, उसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ और साथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ ये पाए जाते हैं। हाथेई चिल्ली विच हैज बिन ग्रांटेड द जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट? हाथेई मिर्च जिसे जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मणिपुर से। और सिर्फ इसे ही नहीं मिला है, इसके अलावा टैमलोंग ऑरेंज को भी जीआई टैग मिला है मणिपुर का। तो मणिपुर से दो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, पहला हाथेई चिल्ली और दूसरा टैमलोंग ऑरेंज। द स्वीट ककम्बर ऑफ विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड अ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, यानी जीआई टैग? किस राज्य के मीठे ककड़ी को भौगोलिक पहचान टैग से सम्मानित किया गया है? तो वो है नागालैंड। और ये जो नागा कुकुम्बर है ये लो इन कैलोरी होता है, लेकिन इसमें हाई मात्रा में पोटेशियम मौजूद रहता है। विच नेशन विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो वो भारत करेगा। इससे पहले भारत दो बार और मेजबानी कर चुका है, 2012 और 2016 में। ब्रिक्स जो है वो पांच देशों का समूह है, जिसमें आता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये फॉर्म हुआ था वर्ष 2006 में, लेकिन जो पहला समिट था वो 2009 में हुआ था। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जो ब्रिक्स समिट इस साल हुआ था उसका थीम क्या है? तो थीम है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ब्रिक्स एट 15 का मतलब है कि ब्रिक्स फॉर्म हुआ था वर्ष 2006 में और अभी उसके पूरे 15 साल पूरे हो गए। विच कंट्री विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2021? कौन सा देश 2021 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो वो इटली करेगा। और जो G20 है वो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन को मिला के बनता है। और ये G20 जो है फॉर्म हुआ था 1999 को। विच कंट्री विल होस्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी COP26 इन 2021? कौन सा देश 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 की मेजबानी करेगा? तो इसे जो होस्ट करेगा वो यूके करेगा विद पार्टनरशिप विद इटली, और ये जो इवेंट होगा वो ग्लासगो में होगा। द फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित होने वाला है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट। हाउ मेनी बीचेस इन इंडिया हैव रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? भारत में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो वो कुल 10 बीचेस को मिला है और दो इसी साल मिला है। पहला है ईडन बीच पुडुचेरी और दूसरा है कोवलम बीच तमिलनाडु। दोनों को इस साल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। विच साइक्लोन मेड लैंडफॉल इन इंडियन कोस्टल रीजन रिसेंटली? हाल ही में किस चक्रवात ने भारतीय तटीय क्षेत्रों में दस्तक दी है? तो वो दी है गुलाब ने, गुलाब साइक्लोन ने, और इसका जो नाम रखा था पाकिस्तान ने। खैर, काम जो करता है कांटा बिछाने का, लेकिन नाम गुलाब का दिया। और ये जो साइक्लोन है ये हिट किया था आपका साउथ ऑफ उड़ीसा और साथ में आंध्र प्रदेश में, और इसी का जो बचा खुचा रेमिनेंट था वो फिर से साइक्लोन का रूप ले रहा है अरेबियन सी में। उसका नाम अब शाहीन रखा गया है। जब हम लोग अगली नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड ऑन नेशनल हाईवे 925A स्ट्रेच इन विच स्टेट? भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A खंड पर किया गया है? तो वो है राजस्थान, और राजस्थान के बाड़मेर में ये किया गया है। और इसे इनॉग्रेट किया था
यूनियन हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने और साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। कोंगथोंग विलेज विच हैज बीन नॉमिनेटेड एज UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट टूरिज्म विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोंगथोंग गांव जिसे UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है मेघालय में। इस विलेज की खासियत ये है कि इस गांव को विस्लिंग गांव भी यानी विस्लिंग विलेज भी कहते हैं। जैसे कि हर इंसान वहां जो रहता है उसके दो नाम है, एक वो नाम जो जैसे हमारे और आपके जैसे नाम, और दूसरा नाम जो धुन पे बेस्ड है यानी ट्यून पे बेस्ड है। हर इंसान का वहां पे एक पर्टिकुलर ट्यून या धुन है। अगर किसी को वहां बुलाना रहता है तो वो लोग नाम से नहीं बुलाते हैं जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, वो लोग गाना गा के विसल सीटी बजा के या धुन गा के एक दूसरे को वहां बुलाते हैं। तो ये खासियत है उस गांव की। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज बीन ऑब्जर्व ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो वो है 8 सितंबर। और इस वर्ष का जो थीम था वो था लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स हिंदी डे ऑन विच डे? भारत सरकार किस तारीख को हिंदी दिवस मनाती है? तो मनाती है 14 सितंबर को। और दूसरा सवाल कि क्यों मनाती है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा, लेकिन आज भी 10 में से 8 लोग यही समझते हैं कि हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन वो गलत है, वो राजकीय या ऑफिशियल लैंग्वेज है। 1949 में अडॉप्ट किया गया था और ये चीज संविधान के आर्टिकल 343 में मेंशन्ड है। द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो वो है 15 सितंबर। और ये पहली बार मनाया गया था 2008 में। और इस साल का जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व राइनो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है सितंबर 22। और जो इस साल का थीम था वो था कीप द फाइव अलाइव। फाइव क्योंकि 5 स्पीशीज होते हैं राइनो के, जैसे व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। इन सभी को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए ये थीम रखा गया था कि कीप द फाइव अलाइव। साइन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सांकेतिक भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 सितंबर। और इस वर्ष का जो थीम था वो था वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डेट? विश्व पर्यटन दिवस हर साल दुनिया भर में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और जो इस साल का जो थीम है वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। वॉट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड ओजोन डे? 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या है? तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीन कूल। और जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप द ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग ऑफ द NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2021? NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो IIT मद्रास ने किया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने टॉप किया है इन रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में। और ये जो है अनाउंस किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2021? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2021 में
भारत का रैंक क्या है? तो वो है 46, और इस रैंकिंग को प्रिपेयर करता है विपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप इन द लिस्ट ऑफ टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की सूची में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और दूसरे नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, और तीसरे नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वॉट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप? भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है INS ध्रुव, जो कि अर्ली वार्निंग दे देगा अगर इंडिया पे कभी भी फ्यूचर में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होता है तो। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ नेशनल करेंसी? कौन सा देश बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है एल सेल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सैन सेल्वाडोर। विच स्टेट हैज लॉन्च द मिलेट मिशन टू बिकेम द हब ऑफ मिलेट इन इंडिया? भारत में बाजरा का केंद्र बनने के लिए किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो वो है छत्तीसगढ़, और उसके जो सीएम है वो है भूपेश बाघेल। इंडिया फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट विच एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस गैस हैज बिन लॉन्च बाई विच कंपनी? भारत का पहला CO2 कैप्चर प्लांट जो सीधे ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 निकालता है, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है टाटा स्टील। हु हैज री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी PTI, द कंट्रीज लार्जेस्ट प्रीमियर न्यूज एजेंसी? देश की सबसे बड़ी प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अवीक सरकार को, जो कि वाइस चेयरमैन है आनंद बाजार ग्रुप के, और जो PTI है वो फाउंड हुआ था 1947 में। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि NRAI? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है रणिंदर सिंह जी को, और जो NRAI फॉर्म हुआ था वो वर्ष 1951 को हुआ था, और इसे फाउंड और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे लोकसभा के पहले स्पीकर GV मालवांकर जी। विच कैंपेन हैज बिन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस डिलीवरी एट द डोरस्टेप? न्याय वितरण विभाग द्वारा डोरस्टेप पर कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो वो है एक पहल। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अंडर विच नेम टू ब्रिंग ऑल बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ? बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकिंग सेवाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए किस नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है बॉब वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड। विच स्पेस टेक स्टार्टअप हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू फॉर्मली साइन एन एग्रीमेंट विद इसरो फॉर यूजिंग इट्स एक्सपर्टीज एंड फैसिलिटीज? कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप इसरो के साथ औपचारिक रूप से अपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो वो है स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। द AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान हैज बिन लॉन्च बाय विच इंडियन इंस्टीट्यूट? AI आधारित भाषा अनुवाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान किस भारतीय संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है IIT बॉम्बे द्वारा। विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस देश को चुना गया है? तो वो भारत को चुना गया है वर्ष 2022 से 2027 तक, यानी 2022 से लेकर 2027 तक।
एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टडी, इंडिया इज ऑल सेट टू बिकम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री बाय विच ईयर? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस फैट मुक्त होने के लिए तैयार है? तो वो है वर्ष 2022 तक। हु हैज रिलीज्ड द बुक टाइटल्ड जंगलनामा? जंगलनामा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किया है अमिताभ घोष ने। और ये जो किताब है ये अडैप्शन है फ्रॉम एन एपिसोड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ वॉन बीबी, अ टेल पॉपुलर इन द विलेज ऑफ सुंदरबन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है झुंपा लाहिरी। द कैंपेन टाइटल शून्य हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स? शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य नामक अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो वो किया गया है नीति आयोग द्वारा। डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल यानी DRM रेलवे स्टेशन विच विल गेट 100% ऑफ एनर्जी थ्रू सोलर एनर्जी इज इन विच सिटी? डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा प्राप्त करेगा किस शहर में है? तो वो चेन्नई में है। इसे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी कहते हैं और ये जो आता है अंडर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में, जहां पे 120 से भी ज्यादा वैरायटीज की फर्न्स मौजूद है। द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड द शंख लिपि इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टेयर्स ऑफ एन एंशियंट टेम्पल इन विच स्टेट? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व विंदों ने किस राज्य के एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंख लिपि शिलालेख की खोज की है? तो की है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में इसे खोजा गया है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये डेट बैक करता है गुप्ता पीरियड से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रोप्ड इन टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू फॉर इट्स स्टे इन प्ले कैंपेन? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को शामिल किया है? तो किया है एडिडास ने। और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में 49 किलो कैटेगरी में। मास्टर कार्ड नेम्ड हुम एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? मास्टर कार्ड ने किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो किया है मैग्नस कार्लसन को, जो कि हाईएस्ट रेटेड चेस प्लेयर है ऑफ ऑल टाइम। मनोरमा मोहपात्रा हु पास्ड अवे इज अ लिटरेटर ऑफ विच लैंग्वेज? मनोरमा महापात्र जिनका निधन हो गया है किस भाषा के साहित्यकार है? तो वो उड़िया भाषा की है। हु हैज बीन फीचर्ड ऑन द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन द 2021 लिस्ट, जो कि इंडिया से रिलेटेड है? तो ऐसे तो 100 लोग का लिस्ट है, लेकिन भारत से जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सेरम इंस्टीट्यूट के CEO अदर पूनावाला। अगर लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे अपलोड कर दिया गया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाइए और उसे फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, और फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और अगर सितंबर महीने के स्टैटिक GK नहीं देखा तो स्क्रीन पे आपको वीडियो लिंक दिख रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।